how can they get started with front end and what steps they need to take to master it? Sure. So, देखो ईशान, एक तो देखो फ्रंट एंड सबको मोस्टली को पता है कि HTML पढ़ना है, CSS पढ़ना है, JavaScript पढ़ना है और एक फ्रेमवर्क पढ़ना है, React, Angular या Flutter में से एक। अब बेसिकली एक होता है हम ट्यूटोरियल देख देख के पढ़ रहे हैं और एक होता है हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं साथ साथ। ओनली 10% पीपल जो है ना जो ढंग के प्रोजेक्ट्स के साथ बनाते हैं वही करते हैं। अब बात मैं वही करूंगा HTML में जो हमें पढ़ना है कि टैग्स पढ़ने हैं, डिव बनाने हैं, बट उसके साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रहना है कि HTML में कहीं ट्यूटोरियल में फॉलो कर रहे हो, अपना रिज्यूमे का पेज साइड बाय साइड बनाते रहो। CSS में कुछ चीज़ें सीख रहे हो, अपना रिज्यूमे साइड बाय साइड बनाते रहो, उसको सुंदर करते रहो, राइट, जो CSS के एलिमेंट्स को यूज़ करके, बट साइड बाय साइड कोई प्रोजेक्ट बनाते रहो। सिमिलरली जब JavaScript सीखो तो JavaScript में सीखना वही है कि भाई ऑन क्लिक कैसे चलता है, ऑन चेंज कैसे चलता है, बहुत सारे फंक्शन सीखोगे, क्लोजर्स के बारे में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट्स ये सब हैं, बट साथ साथ प्रोजेक्ट में लगाओ। मैं बहुत से एग्जांपल बोलता हूँ यार, 2048 गेम बना लो, वो इतना सारा जावास्क्रिप्ट सिखा देता है ना कि यार उसमें तुम्हारा कि यार ये हमने ये जेस्चर करा तो क्या चला, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यूज हो जाती हैं। एंड सिमिलरली जब तुम फ्रेमवर्क सीखते हो, रिएक्ट या कुछ, उस फ्रेमवर्क के साथ एक अच्छा खासा कोई ई कॉमर्स प्रोजेक्ट या कोई सोशल मीडिया प्रोजेक्ट कोई एक पकड़ लो और बेसिक सा अपना प्रोजेक्ट बना लो जिसपे फीचर्स तुम डाल सको कि यार एड टू कार्ट है, ऑर्डर है, बेसिक फीचर्स के साथ फ्रंट एंड हमने डेवलप कर लिया है। बट डोंट फॉलो ट्यूटोरियल बेस्ड अप्रोच, फॉलो अप लाइक अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कि हम जो जो उनसे सीखे जा रहे हैं ट्यूटोरियल्स फॉलो करना पड़ेगा, बट साइड बाय साइड कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते रह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं शुरू के, बेसिकली 1-2 महीना इट टेक्स टू लर्न HTML, CSS एंड JavaScript, फिर बेसिकली 1 महीना टाइप्स रिएक्ट टाइप कर रहे होते हैं अगर हम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चल रहे हैं। ट्यूटोरियल तो हम 15 दिन में खत्म करते, बट अगर हम ढंग से प्रोजेक्ट बेस करें तो 2-3 महीने में बढ़िया से फ्रंट एंड डेवलपमेंट टाइप रेडी हो सकते हैं, राइट? थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पर मैं बताइए, बिकॉज मैं ट्विटर पे बहुत सारे मीम देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि मैं 10 साल से जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ, मुझे फिर भी नहीं पता कि ये क्या होता है या फिर ये क्या होता है, राइट? तो जावास्क्रिप्ट इज लाइक ऐसा समंदर नहीं होता, इट्स लाइक अ ह्यूज ओशन, राइट? लोग उसको सीखना स्टार्ट करते हैं बट देर इज नो एंड टू इट, राइट? तो हाउ कैन दे लर्न जावास्क्रिप्ट इन द राइट अप्रोच, व्हाट डू यू थिंक? सो देखो ईशान, एक तो चीज है मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, देखो एक होता है डेटा स्ट्रक्चर्स लर्निंग कि हमें ये डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, थ्योरी बेस्ड होता है, बट वेब डेवलपमेंट ना गूगल बेस्ड अप्रोच है, कोई नहीं बोल सकता कि मुझे जावास्क्रिप्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे, मान लो तुम ऐड टू कार्ट सीख रहे हो, वहां तुम्हें jQuery की जरूरत पड़ेगी वो काउंटर अपडेट करने के लिए, तुम्हारे को जब 2048 गेम बनाओगे तुम्हारे को क्लिक पे कुछ करना है, तुम्हें कुछ चेंज पे करना है, तो जब तुम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड करते हो ना, जैसे जैसे जरूरत आ रही है उसको गूगल पे पढ़ो यार इसमें जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट कौन कौन से लगते हैं, अच्छे से समझो, एक बार ही अप्लाई कर लिया तो तुम्हें अब जिंदगी भर के लिए आ गया। तो अगर तुम प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड अप्रोच करोगे, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स के बारे में पढ़ोगे, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ऑन स्क्रोल, ये सारे फंक्शंस एज यू फॉलो द प्रोजेक्ट सीखते चले जाते हो, तो डरो मत जावास्क्रिप्ट से, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन जावास्क्रिप्ट जो किसी को नहीं आते हैं। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे जावास्क्रिप्ट सीखते जाओ, ऑब्वियसली लूप्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में इतना तो बेसिक करना पड़ेगा, उसमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, बट बेसिक कर लो लूप्स, फंक्शंस, इफ एल्स वगैरह, उसके बाद प्रोजेक्ट को फॉलो करो जैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ऐड टू कार्ट फीचर डालना है या 2048 गेम बनाना है, वैसे वैसे कर करके गूगल कर करके सीखो, अप्लाई करो और आगे बढ़ते रहो। आई थिंक दिस इज द ओनली अप्रोच कि तुम जावास्क्रिप्ट भी सीख जाओगे और तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, राइट? और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, बेसिकली जितने भी डेवलपर होते हैं आप किसी से पूछ लो, हर कोई गूगल करके ही करता है। वो कहते हैं ना, लोग बोलते हैं यार ये रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए जावास्क्रिप्ट में, अब वो रेगुलर एक्सप्रेशन उन्होंने 1000 बार यूज करा है, बट जब अगली बार भी जाएंगे तो भी गूगल ही करेंगे, वो याद रह ही नहीं सकता। तो आई थिंक यू शुड बी इनफ स्मार्ट टू यूज गूगल, आजकल तो ChatGPT भी आ गया है, तो इनफ स्मार्ट बनो, ऐसे ओरिएंटेड से बनो, रटना नहीं है, DSA नहीं है टाइप, ये यहाँ याद नहीं रखनी चीजें, बस एग्जीक्यूट करते जाओ, प्रोजेक्ट बनाते जाओ और सीख जाओगे, राइट? अमेजिंग।